जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के नमन विक्सल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप मंगलवार को तुरपा प्रखंड के रोड़ू गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिल न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भी भरोसा दिलाया। विधायकों ने परिजनों और मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों से रोड़ू गांव में घटी घटना के संबंध में जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि घटना के दिन तोरपा पुलिस घर के दरवाजे को तोड़कर घुसी और निजामुद्दीन अंसारी के साथ हक्का मुक्की की, जिसके कारण हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ड्राइवर अल्पसंख्यक, आपको यही मिला क्या? जो दरोगा लोग है बताइए, यहाँ के नहीं है, स्थानीय नहीं थे, आए हैं छत्तीसगढ़ का दरोगा, यहाँ ये क्या करेगा भाई? उसका सोचिए मानसिकता क्या है, सोच लीजिए आप कि जेल करना है समाज को। क्यों भाई, आप कौन होते हैं? और यहाँ तक कि ये भी बातें सामने आई, वो दरोगा बोल रहा था कि हम इससे पहले हम दंगा करवा चुके हैं हिंदू मुस्लिम का, कौन सा गांव बता रहा था जी, तपकरा में हम दंगा करवा चुके हैं, यहाँ भी दंगा कराएंगे। अरे भाई आपकी मंशा क्या है, कि आप होते कौन है सिर्फ बोलने वाले? आप दंगा करा रहे हैं, मतलब आप खुलेआम ये बात बोल रहे हैं? पुलिस का काम है सबको लेके चलना, चंद पुलिस तो हमारी सरकार है, हमारा पुलिस है, इसलिए चंद पुलिस जो है वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं वैसे पुलिस कर्मियों को, और इसकी सजा मिलेगी उसको जब वो वहाँ जाते हैं पुलिस वाले लोग। तो महिला पुलिस के साथ जाना चाहिए, जब महिला लोग हैं वहाँ, एकदम लगा कि वो लोग आतंकवादी है, देशद्रोही है, कि एकदम गेट तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कहना चाहता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।